गाइस बहुत तेज़ धूप हो रही है, दिन में तो गर्मी रहती है और रात के टाइम थोड़ी ठंड होने स्टार्ट। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। मैं अभी अपना चैनल देख रही थी तो मैं ये देख रही थी, ये आप सब लोगों को, मतलब आप सब लोग मिल मिल के इतने सारे हो गए हो। और फिर ना मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आँखें जल रही हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग कह सकते हो, 12 बजने वाले हैं, अभी 12 बज रही हैं। तो अभी अभी मेरे सारे काम खत्म हुए हैं, कपड़े धुल गए, झाड़ू पोछा हो गया, ठीक है, नाश्ता मैं पहले ही कर लिया था क्योंकि आशीष ड्यूटी जा चुके हैं, और कुछ जाल के पास गई खेलने के लिए, उसको लेके आने मुझे भी। तो आज है 14 नवंबर, ठीक है, और आज के दिन यहाँ पे गुजरात में हैप्पी न्यू ईयर होता है, मतलब आज के दिन का नया साल शुरू हो जाता है। वो मुझे भी नहीं पता कि कैसे मतलब होता है ये सब कुछ, पर दिवाली के एक दिन बाद ही या एक दिन छोड़ के इनका न्यू ईयर होता है, तो आज वो दिन है, 14 नवंबर है आज, ठीक है। जैसे हमारा 1 तारीख का मनाते हैं हम लोग, 1 जनवरी का, इनका आज के दिन होगा। तो सब ने अपने अपने घर के आगे ना रंगोली बना रखी है और अपने नए साल पर जो भी करते होंगे चीज़ें वो कर रहे हैं। तो मेरे काम हम सब हो चुके हैं, ऑफिस का काम करना है मुझे अभी, तो मैं पहले कुकू को ले आती हूँ क्योंकि कुकू झाल के पास जा रखी है। उसे लाने के बाद उसे थोड़ा कुछ खिला पिला के सुला दूँगी और मैं अपना काम करने बैठ जाऊँगी, ठीक है, तो उसे ले आती हूँ। गाइस बहुत तेज़ धूप हो रही है, दिन में तो गर्मी रहती है और रात के टाइम थोड़ी ठंड होने स्टार्ट हो गई। आज मैंने यहाँ पर धनिया गेर दिया पूरे में, तो देखते हैं धनिया उग जाएगा, तो क्योंकि ये कचरा निकाला मैंने आज यहाँ सारा, और मैंने कुछ कपड़े सुखा दिए हैं अपने और कुकू के, क्योंकि अब ठंड थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो कुकू के कपड़े मैंने निकाल दिए थोड़े ठंडी के, जो भी आएंगे आएंगे, वरना नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, नए लाने पड़ेंगे। तो बस ये है, रात को थोड़ा सा ना बस हवा चलती है ज़्यादा तेज़ ना, तो वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो बैठ गई ना एक बार, मतलब उसकी छाती में बैठ गई, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, दिन में तो उसे चाहे आप बिना बनियान में भी घुमा सकते हो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ले आते हैं पहले उसे। A few moments later. Hello. Hello. Happy New Year. आज ही है ना आपका दिन, नया साल। कुकू है यहाँ पे, ला दो मुझे। देखो कितनी प्यारी रंगोली बना रखी है उन्होंने, सुंदर सुंदर। कुकू दे दो भाई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे। अच्छा पूरा परिवार था आपका? पूरा परिवार है, बहुत सुंदर लग रहा है वही सबके साथ। हाय, चलो बोले बोले। तो गाइस मैं अभी अपना चैनल देख रही थी तो मैं ये देख रही थी, ये आप सब लोगों को, मतलब आप सब लोग मिल मिल के इतने सारे हो गए हो, थैंक यू सो मच। इसको देख के ना बहुत अच्छा लगता है, सही में इसको देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। तो हर दिन तो मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन जब भी टाइम लगता है मैं ज़रूर देखती हूँ, तो बहुत टाइम लग गया इसको कमाने में, बहुत ज़्यादा आप लोगों से जुड़े रहने में बहुत टाइम लग गया। थैंक यू सो मच जितने भी लोग हो देख रहे हो मुझे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और कुकू को मैंने सुला दिया है अभी, वो चिड़चिड़ी हो रही थी बहुत ज़्यादा यार, उसके ना दांत आ रहे हैं और वो भी 4 एक साथ आ रहे हैं, मतलब 2 ऊपर के आ रहे हैं 2 नीचे के आ रहे हैं ना, तो इतनी चिड़चिड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा, अपनी उंगलियों को, दोनों उंगलियों को ऐसे मुँह में दे के दबाती रहती है, तो मतलब उसको फील होता होगा ना कि हाँ मुझे खुजली या दर्द हो रहा है, तो इसलिए उनको दबाती रहेगी, चिड़चिड़ी होती रहेगी, और अपने सर को ना ज़मीन पे मारती है, अगर कोई ज़िद पूरी ना करो उसकी तो भी, और अगर उसको कभी लगता है कि मुझे ज़्यादा सर में दर्द हो रहा होगा या कुछ फील हो रहा होगा उसको, तो सर ज़मीन में मारती है बहुत ज़्यादा ज़्यादा, तो यार उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है। तो अभी तो सो गई जैसे तैसे, बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी, बस मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ क्योंकि यही टाइम है मेरे पास काम करने का। काफ़ी लोग ये सोचते भी होंगे कि ये मैनेज कैसे करती है, तो यार मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ, जब कुकू सो जाती है ना तो मैं थोड़ी लंबी नींद दे देती हूँ उसको, ताकि वो मुझे बाद मतलब परेशान ना करे काम के बीच में, फिर मैं काम करती हूँ और उस बीच में फिर मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के एडिटिंग करती हूँ, फिर वीडियो अपलोड करती हूँ। कभी कभी एक दिन का गैप मैं इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि मैं फिर काम में ज़्यादा फोकस करती हूँ अपने, ठीक है, वो भी ज़रूरी है।
और अभी बहुत सारे सपने हैं मेरा जो मुझे पूरे करने हैं, तो इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ, इन चीज़ों पे भी कर रही हूँ और अपने काम पे भी करती हूँ। बच्चे को भी देखना पड़ता है और काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं, काफ़ी नहीं करते हैं, तो जो नहीं करते हैं उनसे भी मुझे इंस्पायर होती हूँ मैं, और जो कर रहे हैं उनसे तो होती ही हूँ, क्योंकि जो नहीं करते होते हैं ना मुझे फील हो जाता है कि हाँ वो मुझसे चिढ़ रहे हैं या फिर किसी और वजह से, रीज़न से वो मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन चलता है, सबके साथ यही है, ठीक है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है आज के टाइम में, पर फिर भी आगे बढ़ते रहो। सबको यही मैं मैसेज करूँगी, आगे बढ़ते रहो, जीत एक ना दिन होगी, तो बस यही है। अभी काम कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपको आगे आगे। और अगर हम कहीं गए आज शाम को, वैसे तो आशीष की ड्यूटी है, लेकिन अब मैं कहीं गई और अगर मैं दिखा पाई कि यहाँ पे गुजरात में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको, ठीक है, अभी काम कर लेते हैं। और हाँ गाइस, मैं तो भूल ही गई कि आज 14 नवंबर है, तो आज तो चिल्ड्रंस डे भी है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे सभी बच्चों को, ठीक है। और मेरा भी बच्चा है अब तो मैं खुद मम्मी बन चुकी हूँ, तो मेरे बच्चे को भी और बाकी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनको सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दो, उनकी खुशियाँ देखो, मतलब खुशियाँ उनको खुश रखो, जैसे भी रख सकते हो, ठीक है, बस यही है। और काम कर देती हूँ, काम स्टार्ट कर दिया था मैंने, ठीक है। तो गुड इवनिंग गाइस, और अभी शाम के 6:30 होने वाले, ये 15 मिनट आगे कर दिए मैंने, अभी 6:15 हो रहे हैं, 6:30 होने वाले। आज पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो जब आशीष ड्यूटी से वापस आए तो मैंने उन्हें खाना वाना दिया और थोड़ी देर काम किया मैंने अपने ऑफिस का खाना खा के, और फिर ना मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आँखें जल रही हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ी देर बाद काम करूँगी, और जैसे मैं लेटी कुकू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो आशीष को लगा मुझे फीवर हो गया है, तो उन्होंने मेरी बॉडी चेक करी तो हीट कर रही थी, मुझे लगता है उस टाइम फीवर हुआ भी था। उन्होंने मुझे आधे एक घंटा शायद सोने भी दिया मुझे, हाँ शायद सोने दिया मुझे, मैंने रेस्ट किया तो मैं जब उठी तो मुझे बिल्कुल बॉडी ऐसी लग रही थी कि वीक, बिल्कुल थकी थकी सी। तो आशीष ने बोला कि आपका आप काम मत करना, ठीक है, ना घर का ना ऑफिस का, आप दवाई लो और रेस्ट करो, मैं वापस आने के बाद ड्यूटी से आपको दवाई दिलाने लेके जाऊंगा। तो अभी उन्होंने मुझे जब वो गए तो पैरासीटामोल दी थी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं सोच रही मंदिर हो जाती हूँ, मंदिर हो के आती हूँ, तो बस ये है ना कि बॉडी पेन तो कर रही है, लेकिन थोड़ा सा चलूँगी फिरूँगी या कहीं बाहर जाऊँगी तो अच्छा लगेगा मुझे भी, और कुकू को भी थोड़ा घुमाना है। अभी वो जहल लेके जा रखी है, तो मैंने कहा ठीक है तुम ले जाओ, फिर मैं तैयार हो जाऊँगी ना तो मैं लेने आऊँगी और उसे मंदिर लेके जाऊँगी। पता नहीं यार, दिवाली के टाइम पे भी मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा था कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, शायद मैंने बोला भी था वीडियो में, लेकिन ना मैं लापरवाही कर देती हूँ इस चीज़ में कि मैं फिर रेस्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, मैं फिर अपने काम पे फोकस करने लग जाती हूँ बहुत ज़्यादा, घर का चाहे घर का काम हो चाहे ऑफिस का हो, मैं बहुत ज़्यादा ना फिर अपने आप पे ध्यान नहीं देती हूँ, और ऊपर से कुकू रेस्ट नहीं करने देती बिल्कुल भी, तो वो भी प्रॉब्लम है। रात को वो सोने नहीं देती है, पता नहीं क्यों इतना चिड़चिड़ी हो रखी है दांतों की वजह से, पर हालांकि आशीष मेरे बहुत ज़्यादा केयर करते हैं इस चीज़ में, और अगर मैं अपने घर पे होती ना मम्मी बिल्कुल ऐसा, मम्मी पापा दोनों ही रेस्ट कर ले तू बिल्कुल अपनी तबीयत ख़राब करके रखती है, ये वो सुनाते मुझे बहुत ज़्यादा पहले, और फिर मेरी ध्यान भी रखते बहुत ज़्यादा, तो आशीष भी उतना ही ध्यान रखते हैं, बस उनकी थोड़ी मजबूरी है कि वो ड्यूटी जा रहे होते हैं तो नहीं कर पाते, अगर वो यहाँ होते ना तो वो मुझे कुछ भी नहीं करने देते। तो बस यही है, अभी थोड़ा जाती हूँ मंदिर होके आती हूँ। लग रहा है अभी भी कि हाँ बुखार तो है, लेकिन यार काम पे तो करना ज़रूरी है, कौन करेगा फिर, तो चलते हैं अभी मंदिर, ठीक है। जहल आई थी मेरे पास, फिर वो मैं उससे बात भी नहीं कर पाई, तो वो कुकू को लेके चली गई, तो बस उसे भी लेके आती हूँ और चलते हैं, निकलते हैं फिर, ठीक है गाइस। और आप देखो कि 6:20 टाइम हो रहा है, मतलब 6:20 हो रहे हैं, और यहाँ पे इतना उजाला है इस टाइम पे, हमारे उधर तो इस टाइम पूरी रात हो चुकी होगी, पक्का पूरी रात हो चुकी होगी, 6:00 ही हो जाती है पूरी रात, 5:30 से स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे अभी 6:30 ऐसा मौसम रहता है, तो बस ये एक घंटे का फ़र्क है यहाँ पे ना, रात होने में और सुबह होने में भी एक घंटे का फ़र्क होता है। चलो चलते हैं, घर के काम वाम तो मैंने सारे कर दिए, सफाई वफाई सब हो रखी है, बस निकलते हैं अभी। ये
गाइस आज नए साल के वजह से ना पूरा मार्केट बंद सा ही हो रखा है, मतलब एक दो दुकानें खुल रही हैं उधर तो पूरा बंद ही हो रखा है। यहाँ मंदिर की एक दुकान लगती थी वही बंद है आज। तो अभी मैं घर ही जा रही हूँ क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। आरती अभी ख़त्म ही होने वाली थी पर मैंने सोचा कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा तो मैं घर ही चल जाती हूँ, आराम करूँगी थोड़ी देर। और जहाँ आएगी थोड़ी देर बाद वो इसे ले जाएगी शायद, या फिर घर पे ही खिला लेगी, जैसा भी होगा। तो देखो यहाँ सारी दुकानें बंद हो रखी हैं। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, देखो मैं ऐसे सबको मिल तो पाऊँगी नहीं, पर जितनों के पास भी वीडियो जाए और वो देखें तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आज का ही हैप्पी न्यू ईयर है। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर और सबका नया साल अच्छा जाए, क्योंकि अब नए साल में भी वैसे भी 1 जनवरी में ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, 1 महीने के समथिंग। और देखो ये आ गई हैं, क्या बोला था भाभी ने एक बार, भेड़ है ना ये। हाँ गाइस सब लोग ना नए नए कपड़े पहन के घूमने जा रहे हैं, कोई घूम के आ रहे हैं। यहाँ बच्चे अपना पटाखे जला रहे थे, मैं भी घर जाके दिए जलाऊंगी। तभी मैं थोड़ा जल्दी भी आ गई, मैंने कहा यार घर जाके दिए भी जल जाएंगे, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं न्यू ईयर। A few moments later. Bye कुकू। Bye. तो गाइस घर आ गए थे हम लोग और ये दिए जला रही हूँ मैं। एक्चुअली हुआ ये है कि जो दिवाली में हमने दिए जलाए थे ना और कल भी जलाए थे गोवर्धन में, तो इन दियों का ना तेल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हवा की वजह से ना ये बार बार बुझ रहे हैं। तो मैं इनको जलाती तो हूँ लेकिन बार बार यार मैं भी नहीं जला पाती हूँ क्योंकि फिर कौन बार बार जलाए इनको। पर मैं आज भी जला रही हूँ, इनका तेल नहीं ख़त्म हुआ अभी तक। देखो मैंने इतना तेल डाला था इनमें, क्योंकि तेल इन्होंने पिया ही नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें पानी में भिगो रखा था। तो वही है कि मैं इनको जला रही हूँ फिर से दोबारा से ना, ये जल के सुंदर लगेंगे फिर। मैंने दिए जला दिए हैं और अभी तक तो सब जल रहे हैं। आज और दिनों के मुकाबले हवा कम है तो इसलिए जल भी पा रहे हैं। अच्छा है इनका तेल ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं इनको रख दूँगी साफ़ करके। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको, ठीक है। अभी चलती हूँ यार, खाने की तैयारी करती हूँ कि खाना ही बनना है। आशीष आएंगे फिर साथ में खाना खाएंगे। एक दिया बुझ गया, देखो मैंने बोला था ना हवा के वजह से हो रहा है, ये सब जला देती हूँ जो दोबारा जो मुझे दिख रहे हैं कि हाँ जल रहे हैं, तो वो तो मैं जला पा रही हूँ यार, बाकी मैं जला नहीं पाती फिर बार बार ना, कौन इन पर ध्यान देगा। चलो अब घर के अंदर चलते हैं। One hour later. तो गाइस जाल आई है घर पे, हैप्पी न्यू ईयर जाल, मैंने दोबारा बोल रही हूँ। और कुकु ना पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं चलने की। हाँ हाँ चलो चलो चलो, गरबा गरबा सीख रहा मेरे बेटा, पूरी चल रही है अब तो, खुद से अपने प्रैक्टिस कर रही है। अरे 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 करो दीदी जैसा करो, ओले केची केची तो मुंह बनाता है तू, मस्ती के मूड में भी पूरी। हाँ हाँ नौटंकी ओए चुटकू, फुल एनर्जी में है, अभी चल के ही दिखाएगी, बस पूरा चलेगी आज। हाँ क्या है वो, ले आओ ले आओ, अभी पलटना नहीं आता इसको, कभी कभी नहीं पलट पाती। हाँ ना पलटना आता ना रुकना आता, कहीं ऐसा डगमगा के रुकेगी पूरा। कुकु खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, कुकु स्टैंड अप, कुकु खड़े हो जाओ। सुने थक गए क्या, थक गए बेटी? नो नो
बॉल कहाँ है मेरे बेटे की? बॉल लाती है मम्मा, रुको। लो लो निकालो, बॉल कहाँ है? वो ना वो हाँ वो ले लो, बॉल लो। छोटी बॉल भी है बड़ी भी है, लो। आया आया, कैसे चल के जा रही है? मुझे खाना बनाना है। बाय कुकू, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। टाटा यू। पत्थरों पे अथर कितना रोया हूँ मैं, कौन सा गाना है? याद कर मतलब कौन सी मूवी का गाना है? कितना रोया हूँ बताओ, याद कर के। अब मेरे बिना भी किसी को याद करते हो? घर जा बता। मेरे को तेरे भी किसी को याद करते हो? कहाँ कर रहा है याद? गाना तो ऐसे गा, गाना तो गाना होता है। आपके पुराने मॉडल को याद कर रहा हूँ। इस खाना वाना हो गया हमारा, और कुकू को सुला दिया क्योंकि कुकू को सोने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी इन दोनों को ही। तो ब्लॉग को एंड कर देते हैं, ठीक है? हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हो सकता है ब्लॉग थोड़ा छोटा हो लेकिन कोई बात नहीं। तो वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर भी मत जाना चैनल को। ओके गाइस बाय, गुड नाइट, सबका ध्यान रखिए, बाय बाय कर दीजिए, बाय 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 बाय। और आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैंने आपको गोली दी थी ना, मैंने बताया था सबको, अभी मैंने फिर दोबारा दी है गोली, कल मैं ब्रेकफास्ट भी बना के मैं ही दूंगा। देख बताया नहीं, ये चीज मुझे भी नहीं पता ना अभी, वो तो जब कल होगी तो पता लगेगी। ठीक है गाइस बाय।